डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 12 सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 13 सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 13, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हमसे यह पूछा गया कि थ्री डिजिट वाले कितने नंबर 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल होंगे। ऐसे हमें थ्री डिजिट वाले नंबर हमें बताना है वो कितने हैं। सबसे पहले हम इसकी एपी बनाते हैं, और सबसे पहले एपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थ्री डिजिट का सबसे स्मॉल नंबर, छोटा नंबर हम देखेंगे, वो है 105। एपी बना लेते हैं। यहाँ पर एपी फर्स्ट टर्म जो बनेगी वो होगी हमारी 105 में 7 प्लस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 112, कोमा फिर हम 112 में फिर हम 7 प्लस कर लेंगे 119, और ऐसे ही होगा। अब लास्ट टर्म हमें, इसका जो लास्ट टर्म है, जैसे एंथ है टर्म है, एंथ हमें इसको फाइंड करेंगे। एंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो थ्री डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है वो होगा 999। अब 999 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 1 7 माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट 2 आ गया, 9 ACTs यहाँ पर आ गया, 29 हो गया। 7 4 जा 28 माइनस करेंगे 1 मिला, ये 9 वापस यहाँ आ गया, ये 9। अब 7 2 जा 14 हो गया, माइनस इसको सेपरेट कर लेते हैं, रिमाइंडर में मिला 5, ये 5। अब ये जो 5 है उसको 999 से सेपरेट कर लेंगे 5 को। अब हमें 9 में से 5 सेपरेट करा 4, और 9 ACTs, ये 994। तो इसका nth नंबर यानी लास्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो हमारे पास आ गया, ये 994। ये इसकी n टर्म आ गई। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू हमारे पास है 105। d हम फाइंड करेंगे, d इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम सेपरेट कर लेंगे, 112 माइनस 105, और 112 में से हम 105 सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 7। a n हमने अभी निकाला 994, जो लास्ट टर्म है जो एपी है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। एन हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है। अब हम इसको फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स को, एन को फाइंड करने के लिए हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं एपी का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू, अब ए एन हमें दे रखा है 994, हम लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमें दे रखी है फर्स्ट टर्म 105 प्लस एन माइनस 1, हम ACTs लिख लेते हैं। डी हमने फाइंड कर लिया, ये जो 7 हो गया। अब 994 हम ACTs यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 105 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 105 इक्वल टू एन माइनस 1 और ये 7। 994 में से हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं 105 को तो हमें मिलेगा 889 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 7। अब हम क्या करेंगे, 889 ACTs हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू, हमें लिखना है n माइनस 1, n माइनस 1 हमने यहाँ पर लिख लिया, और इसके साथ जो 7 मल्टीप्लाई हो रहा था है वो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आकर ये डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो गया। अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, 7 1 जा 7 1 बचा, यहाँ 18 आ गया, 7 2 जा 14 हो गया, अब यहाँ पर आया 4 बचा, 9 के पहले हमने यहाँ 4 लगाया, 49 हो गया, 7 7 जा 49 हो जाता है, ये 112
127 से कैंसिल हो गया। अब 127 इक्वल टू एन माइनस वन, हमें फाइंड करना है एन, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एस इट इज 127 और ये 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, माइनस का प्लस में हो गया 1 और ये एन एस इट इज। अब 127 को 1 से प्लस कर लेंगे तो हमें मिलेगा एन इक्वल टू 128, प्लस करा तो मिला 128। थ्री डिजिट नंबर्स हमारे पास आए जो डिविजल बाय 7 है वो है 128, यहाँ पर लिख लेते हैं। देयरफॉर 128 थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजल बाय 7, तो 128 थ्री डिजिट नंबर्स हैगा जो 7 से डिविजिबल होगा। इसी के साथ क्वेश्चन 13 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।